हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तीन तरह के पनीर की रेसिपी। और ये रेसिपी बिल्कुल आसान तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बना रहे हैं पनीर मसाला करी। और इसके लिए हमने दो टमाटर और दो प्याज को रफली चॉप कर लिया है। गैस पे पानी चढ़ा दिया है। पानी गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें जो रफली टमाटर और प्याज को हमने चॉप किया था उसमें डाल के और इसको उबाल लेंगे। एक दो मिनट तक हम इसको उबालेंगे। और एक दो मिनट जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो फिर हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको छान लेंगे। और छान के फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मिक्सी के जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो पनीर को डाल के हम फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से फ्राई करके फिर पलट के दूसरी तरफ से हम फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। निकाल के किसी बाउल में हम पानी लेंगे, उसमें इसको डाल देंगे जिससे कि ये सॉफ्ट बना रहेगा। अब उसी कढ़ाई में एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब चटक जाए एक सूखी मिर्च और एक तेज़पत्ता डाल देंगे। और फिर लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट हम इसमें 2 चम्मच के करीब में डालेंगे। और 1-2 मिनट तक फ्राई करके फिर बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर डाल देंगे। 1-2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे और 1 मिनट तक इसको पका के फिर प्याज और टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया थे इसमें डाल देंगे। और डाल के लो फ्लेम पे इसको 2-3 मिनट तक ऐसे चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। और 2-3 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। जब हमारे 2-3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, पनीर मसाला और गरम मसाला। सबको हमें 1/2 चम्मच के करीब में हमने डाला है इसमें। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं मसाले की क्वांटिटी को। और इस तरीके से हमने डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी हमने डाला है। पानी डाल के इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लिया हमने। और मिक्स करके फिर 1-2 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें 2 चम्मच के करीब में हमने मलाई डाला है। और मलाई डाल के फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करके फिर इसको 1-2 मिनट तक हम पकाएंगे लो फ्लेम पे। इस तरीके से चलाते हुए हमें 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। जब हमारे 1-2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर इसमें हम जो पनीर फ्राई करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। और डाल के और फिर इसको 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ढककर हम इसको पकाएंगे 1-2 मिनट तक। और पनीर डालने के बाद भी फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ढककर 1-2 मिनट तक हम पकाएंगे। और 1-2 मिनट जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो इसमें 1.5 कप के करीब में हम पानी डालेंगे। और पानी डाल के फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर ढक देंगे। ढककर 2-3 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पे पका लेंगे। जब हमारे 2-3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो हम गैस अपना ऑफ़ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसको हम गार्निश कर लेंगे। लीजिए तैयार है पनीर मसाला करी। अब हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमने 2 प्याज और 2 टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। और गैस पे हमने 1 बाउल में पानी चढ़ा दिया है। पानी गर्म हो गया है उसमें इस प्याज और टमाटर को डाल के उबाल लेंगे 3-4 मिनट तक। जब हमारे 3-4 मिनट पूरे हो जाएंगे तो इसको छान लेंगे और ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। अब कढ़ाई में हमने 2 चम्मच बटर डाला है। बटर जब पिघल जाए तो पनीर को डाल के हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर। और पनीर को फ्राई करके हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच और बटर डालेंगे। और 1 चम्मच बटर डाल के फिर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। और जीरा जब चटक जाए तो 1 सूखी मिर्च और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। और उसके बाद लहसुन मिर्च अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डालेंगे और 1 मिनट तक उसको फ्राई करेंगे। जब हमारे 1 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर हमने इसमें डाल दिया है। और डाल के इसको 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और 1-2 मिनट के बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब में नमक डालेंगे। और नमक डाल के इसको 1-2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। और 1-2 मिनट जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो जो पेस्ट हमने बनाया था टमाटर और प्याज का उसको इसमें डाल देंगे। और डाल के हम लो फ्लेम पे इसको हम 1-2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। ऐसे चलाते हुए इसे हमें फ्राई करना है।
1-2 मिनट तक लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। और फिर इसको फ्राई करते हुए हमारे 1-2 मिनट पूरे हो गए हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सब्जी मसाला, पनीर मसाला आधे आधे चम्मच के करीब हमने डाल दिया है। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 1-2 मिनट तक लो फ्लेम पर ऐसे चलाते हुए पका लेंगे। और जब हमारे 1-2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर इसमें 1 चम्मच बटर और 2 चम्मच करीब हमने इसमें मलाई डाला है। डाल के इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे हमने मिक्स किया है। इसको चलाते हुए हम इसको 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे मिक्स करने के बाद। और फिर 1-2 मिनट जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो इसमें 1 कप के करीब में हमने पानी डाला है। पानी डाल के इसको हम लो फ्लेम पे हम पका लेंगे 1-2 मिनट तक। और फिर जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था इसमें डाल के और 1-2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। फिर लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे और डाल के इसको हम पका लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा पनीर बटर मसाला। अब हम बनाएंगे शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए भी हमने 2 टमाटर और प्याज को रफली चॉप करके और रख लिया है। और इसको हम बॉयल कर लेंगे। फ्रेंड्स, बॉयल करने करके और पीस के हम जब बनाते हैं सब्जी तो काफ़ी टेस्टी तैयार होता है। और इसको बॉयल करके हम इसको छान लेंगे और ठंडा करके फिर इसको पीस लेंगे। फिर उस एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और पनीर को उसमें डाल के हम फ्राई कर लेंगे। और पनीर को इस तरीके से हम डाल के, थोड़ा सा तेल हमने डाला है 2 चम्मच करीब में, फ्राई करके हम पनीर को निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब चटक जाए तो लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको हम 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर हमने 1 तेज़पत्ता और 1 सूखी मिर्च डाला है, इसको भी 1-2 मिनट तक इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और 1-2 मिनट के बाद इसमें हमने बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर डाल दिया है। प्याज और टमाटर डालने के बाद 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे ऐसे चलाते हुए। फिर हमने 1 चम्मच के करीब में इसमें नमक डाला है। नमक डाल के इसको हम लो फ्लेम पे 1-2 मिनट तक फिर पकाएंगे और प्याज और टमाटर को। और जब हमारे 1-2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर का, जो बॉईल करके और पीस लिया था, उसको इसमें डाल देंगे। और डाल के इसको हम ऐसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके फिर इसमें इसको हम फ्राई करेंगे 1-2 मिनट तक। लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और इसको ऐसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, पर ढक देंगे। ढक के फिर इसको 1-2 मिनट तक पका लेंगे। और 1-2 मिनट जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो फिर इसमें हम 2 चम्मच के करीब हमने मलाई लिया था, मलाई डाल देते हैं। मलाई डाल के 1-2 मिनट तक ढक के फिर से पका लेंगे। और फिर इसमें 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, शिमला मिर्च, गरम मसाला, सब्जी मसाला और पनीर मसाला डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसको 1-2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। और जब हमारे 1-2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर इसमें हम डाल देंगे काजू। 4 चम्मच के करीब हमने काजू का पाउडर डाला है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने काजू को पीस लिया था और 4 चम्मच के करीब हमने काजू का पाउडर यानी कि पेस्ट डाल दिया है। और डाल के इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे ये मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे चलाते हुए। और जब मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 2 कप के करीब में पानी। 2 कप के करीब में हमने पानी डाला है इसमें। और पानी डाल के इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके ऐसे इसको हमें मिक्स कर लेना है पानी डालने के बाद इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और मिक्स करने के बाद अगर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे। और फिर इसको हम ढक के 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे। और जब हमारे 2-3 मिनट पूरे हो जाएंगे तो जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था तो उस पनीर को हम इसमें डाल देंगे। और डाल के ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे चलाते हुए इसे हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके फिर इसको ढक के 1-2 मिनट तक पका लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारा शाही पनीर। काफ़ी टेस्टी तैयार हुआ है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें।